धूमधाम से निकली त्रानवी श्री गंगा महारानी विशाल शोभा यात्रा। आपको बताते चले कि बरेली की 93 गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा सोमवार को धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा के मुक्कती शशिबाला राठी और बृहस्पती महापौर उमेश गौतम ने पूजन कर झंडी दिखाकर मलकपुर श्री गंगा महारानी मंदिर से रवाना किया। शोभा यात्रा में विभिन्न स्वरूपों की झांकियां, बैंड बाजा, घोड़े, डीजे शामिल थे। महापौर उमेश गौतम ने बताया कि बरेली की महारानी की 93 शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा यानी कि आज़ादी के पूर्व से ही शोभा यात्रा निकलती चली आ रही है। गंगा महारानी का आशीर्वाद है कि बरेली तरक्की कर रहा है। लगातार बरेली माता गंगा का आशीर्वाद, बरेली के अंदर कितनी भी तरक्की हो, पिछले 4 वर्षों से देख रहे हैं सभी, गंगा महारानी का आशीर्वाद है। शोभा यात्रा आज धूमधाम से निकाली गई है। जी देखिए, गंगा महारानी की शोभा यात्रा ये 93वीं शोभा यात्रा है, यानी कि आज़ादी के पूर्व से भी ये शोभा यात्रा चलती आ रही है। और गंगा महारानी का आशीर्वाद ही है कि बरेली अब तरक्की कर रहा है। लगातार बरेली पर माता का आशीर्वाद है कि बरेली के अंदर जितनी भी तरक्की आप पिछले 4 वर्षों में देख रहे हैं वो सब गंगा महारानी का आशीर्वाद है। उनके जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, सभी लोगों से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि इसी तरह इसी सद्भाव के साथ, जैसे शोभा यात्रा हमेशा निकलती है, इसी शोभा यात्रा को ऐसे निकालकर बरेली वालों के ऊपर गंगा महारानी का कृपा और उनका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। पूरे शहर में घूमेगी, रात को इसका समापन होगा। ये मलकपुर से निकलकर सिटी सब्जी मंडी, उमरपुर, जसोली, नवसत्यम होते हुए बड़ा बाजार, किला और सामदगंज, आलमगिरीगंज होते हुए बरेली कॉलेज गेट से निकलते हुए बिहारीपुर ढाल पर मलकपुर मंदिर पर समापन होगा इसका। ये 93 वर्ष पुरानी है आज़ादी से, आज़ादी का अमृत उत्सव से भी पहले का ये उत्सव है हम लोगों का हिंदू, और इसमें हम लोगों ने ये चाहा है कि इस बार ज़्यादा नाचने गाने की झांकियों पर प्रतिबंध लगाया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति बची रहे और हम ऐसे ही मैया की सेवा करते रहें। धन्यवाद।